है गाइस, जैसे हमने लिखा अभी देखे हैं, यूज ऑफ हैज हैव और हैड। तो पहचान क्या है इसका, हिंदी वाक्य के बीच में पास या रखा शब्द आता है। क्या आता है? पास या रखा शब्द आता है। जब हिंदी वाक्य के बीच में कोई पास या रखा शब्द आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इसमें हम हैज और हैव हैड का प्रयोग करते हैं। तो जैसे मेरे पास एक किताब है, उसके पास दो घड़ी है, ऐसे ही सेंटेंस आते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, हैज और हैव और हैड का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट टेंस में देखते हैं, प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव में बनाने के नियम क्या है, बनाने के नियम है कि एक वचन कर्ता के साथ, कर्ता तथा ही सी इट नेम राम आदि के साथ हैज लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखते हैं, हैज लिखते हैं। वह वचन कर्ता तथा आई वी यू दे आदि के साथ क्या लिखते हैं, हैव लिखते हैं। ऐसे पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में सभी कर्ताओं के साथ हैड लिखा जाता है। वर्ड आर्डर इसका है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हैव हैज या हैड लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड लिख लेते हैं। सेम इसी तरीका, जैसे अब उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। उसके पास एक किताब था, ही हैड अ बुक। उसके दो हाथ हैं, ही हैज नॉट हैंड, ही हैज टू हैंड, ही हैज टू हैंड। उसके पास दो हाथ हैं। यहाँ पे खासतौर पर देखते हैं कि उसके दो हाथ हैं, उसके दो हाथ यानी कि उसके पास दो हाथ हैं। तो हम इस तरीके के सेंटेंस में क्या कहते हैं, हैज हैव और हैड का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, खासतौर पे जहाँ अफर्मेटिव है हम लोग क्या करते हैं, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, यहाँ क्या होता है, ही सी इट हैज नॉट लिख देते हैं यहाँ पे, हैज नॉट। क्या लिख देते हैं यहाँ पे, हैज नॉट लिख देते हैं। बहुवचन कर्ता के साथ क्या होता है, हैज नॉट लिख देते हैं यहाँ पे, हैज Not। उसके बाद पास्ट टेंस में हैड नॉट लिख देते हैं यहाँ पे, हैड नॉट। यहाँ भी नॉट ऐड कर देंगे, नॉट। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ नॉट लिख देते हैं। और इसमें जैसे उसके पास एक किताब नहीं है, नहीं है, आई हैव नॉट, यहां भी हो जाएगा नॉट, यहां भी हो जाएगा नॉट। नेगेटिव को भी खत्म हो गया। अब इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेकंड नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।